तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि इस स्मैकडाउन पर WWE ने बैकलैश के लिए स्पेशल सिंगल्स मैच कंफर्म किया है, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस द नाइजीरियन जायंट ओमोस। ये अजीब बात है कि ये सिंगल्स मैच हमें इस शो पर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच ना तो कोई राइवलरी चल रही है, ना कोई प्रोमो या कोई फेस ऑफ हमें देखने को मिला है, लेकिन WWE ने रैंडमली ही इस शो के लिए यह मैच कंफर्म कर दिया है। जहां तक कि सेथ रॉलिंस ने भी ये मैच कंफर्म होने के बाद ट्विटर पर ट्वीट किया था कि ऑल राइट देन, तो इस हिसाब से लगता है कि सेथ रॉलिंस को भी इस मैच के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे हिसाब से इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि बैकलैश प्रीमियर इवेंट प्यूर्टो रिको में होने वाला है और हाईली चांस है कि द ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस वहां पर कम्पीट नहीं करेंगे, तो WWE चाहते हैं कि वहां पर बिग सुपरस्टार्स कम्पीट करें जैसे कि सेथ रॉलिंस, और WWE अपने ऑलमोस्ट पीपीयूज में ऑलमोस्ट को कोई ना कोई मैच देती है, तो इसलिए ये रैंडम मैच इस शो के लिए कंफर्म कर दिया गया है। जैसा कि अब ये मैच कंफर्म हो चुका है तो ओमोस और सेथ रॉलिंस के बीच हमें राइवलरी बिल्डअप होती नजर आएगी। बैकलैश से पहले दो मंडे नाइट रो के एपिसोड्स बचे हैं, तो इन्हीं एपिसोड्स पर हमें ओमोस और रॉलिंस के बीच की राइवलरी बिल्डअप होती हुई नजर आएगी, और मेरे हिसाब से इन दोनों शो पर ओमोस को अपर हैंड मिलते हुए नजर आ सकता है। इस मंडे नाइट रो की बात करें तो यहाँ पर ओमोस अटैक कर सकते हैं सेथ रॉलिंस को, और मेरे हिसाब से MVP भी कुछ सेगमेंट दे सकते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। इस सिलसिले में सेथ रॉलिंस का एक सिंगल्स मैच हुआ था लोगन पॉल से, और उस धमाकेदार मैच में सेथ रॉलिंस ने लोगन पॉल को हरा दिया था। इस रसलमे में ओमोस का मैच हुआ था द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से नाइट 2 का फर्स्ट मैच, लेकिन ओमोस उस मैच को हार गए थे, तो WWE चाहती है कि ओमोस को एक पीपी विन मिले, तो इसलिए ही ओमोस का मैच उन्होंने सेथ रॉलिंस से किया है बैकलैश पर, और अगर इस मैच को ओमोस जीत जाते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा पुश मिलता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से इसलिए ही WWE ने मैच कन्फर्म किया है। सो गाइस इस वीडियो के लिए ही, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।